हेलो गाइस, वेलकम टू सपोर्ट आइडिया। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपका लैपटॉप में नो बूटेबल डिवाइस एरर आता है और ये आने के बाद आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता है, तो ये जो प्रॉब्लम किस वजह से आता है और इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाऊँगा। तो आप भी सीख जाओगे कैसे इसको ठीक करना है। अगर वीडियो मेरा पूरा देखोगे तो आप भी सीख जाओगे कैसे ठीक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मेरा SR का लैपटॉप है। ये लैपटॉप जब मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर नो बूटेबल डिवाइस दिखाता है और ऐसे ही हैंग हो जाता है, कुछ नहीं होता है। लैपटॉप ऑन ऑफ करके अगर ऑन करूँ तो फिर से यही आता है। तो ये जो प्रॉब्लम, आप अगर आपका हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम होगा तो ये आ सकता है, या फिर बायोस में कुछ सेटिंग है वो अगर आप करोगे तो ये प्रॉब्लम ठीक होता है। तो हम लोग देखेंगे ये हमारा प्रॉब्लम किस वजह से ये आ रहा है, कैसे सॉल्व करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो लैपटॉप है उसको ऑफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लैपटॉप को ऑफ कर दे रहा हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ पर जो आपका अगर SR का लैपटॉप है तो F1 F2, अगर दूसरा कोई लैपटॉप है तो डेल प्रेस करना है। डेल, यहाँ पर जो लैपटॉप में डेल है, और F11 F2। अगर आपका SR का लैपटॉप है तो F1 F2 करने से आपका बायोस सेटिंग ओपन हो जाएगा। अगर दूसरा लेनोवो का HP का मॉडल है तो आपको F11 डेल प्रेस करना है, या फिर HP का है तो स्किप बटन प्रेस करना है, ये ध्यान रखना आप। तो जैसे ही आपका बायोस सेटिंग ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए बूट आया है, ये 4 नंबर ऑप्शन में बूट जो है इसमें आपको लेके आना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। बूट में आने के बाद आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको एक सेटिंग करना है जो यहाँ पर बूट मोड है, देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पर देखिए बूट मोड, इसको आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको लीगेसी जो है इसमें आपको एंटर कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है, फिर से ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पर लीगेसी मोड ऑन हो गया। आपका जो लैपटॉप है उसमें बायोस सेटिंग में जाने के बाद जैसे मैंने बूट में जाके लीगेसी ऑप्शन ऑन किया है, वैसे आपको लीगेसी ऑप्शन ऑन करना है। फिर आपका जो लैपटॉप में F10 की है, देख सकते हो यहाँ पर मेरा लैपटॉप में F10 की है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर येस कर देना है। तो यहाँ पर आपको एंटर दबा देना है। एंटर दबाने के बाद देखिए यहाँ पर फिर से मेरा SR आया है और यहाँ पर देखिए Windows 7 आ गया। तो यहाँ पर मैं इसको एंटर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो OS ओपन हो रहा है। तो ये मेरा जो है ये सेटिंग के प्रॉब्लम से ठीक हो गया। आपका भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, कई बार आपका लैपटॉप जो है उसका सेटिंग, बायोस सेटिंग चेंज हो जाता है, उसी के कारण ये प्रॉब्लम आता है। हार्ड डिस्क बहुत कम ही ख़राब होता है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, वैसे आप अगर करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में।